काफी अच्छा लग रहा है। हमारी सोच है ये बहुत बड़ा मुद्दा है देश का। हमारी सोच है कि इस यात्रा के माध्यम से मोदी जी को किसान की आवाज़ सुनाई देगी और वो कर्जा माफ़ करने की सोचेंगे। जैसे मैंने कहा है, मोदी जी ने हज़ारों करोड़ रुपए, 1,10,000 करोड़ रुपए किसान का, ये उद्योगपतियों, बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया है और हम समझते हैं कि उनको उनकी मदद करनी है, ठीक है, मगर अगर वो उनका कर सकते हैं तो फिर इनका भी कर सकते हैं। तो ये फेयरनेस की बात है और इसको हम काफ़ी तेज़ी से रेज करें। भाजपा सर 2.5 वर्षों के विकास को लेकर के चुनाव में उतरने जा रही है, क्या दिख रहा है 1,000 किलोमीटर की यात्रा में कहीं विकास दिख रहा है आपको भाजपा का? नहीं, मैंने काफ़ी ढूंढा, मैंने भाजपा का विकास काफ़ी ढूंढा, ये मिला नहीं, कहीं नहीं मिला। देखिए, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देना था। जहाँ भी मैं जाता हूँ मैं पूछता हूँ, यहाँ पे कोई ऐसा एक युवा है जिसको नरेंद्र मोदी जी ने मेक इन इंडिया ने रोजगार दिया हो? और अभी तक 1,000 कितने किलोमीटर हुए, 1,000 से ज़्यादा, और लाखों युवाओं से मैंने ये सवाल पूछा है, एक युवा ने अपना हाथ नहीं उठाया। सबके सब उठा के कहते हैं भैया नहीं, एक व्यक्ति को यहाँ रोजगार नहीं मिला। वही सवाल 15 लाख का पूछता हूँ, मोदी जी ने कहा था 15 लाख रुपए मिले, 15 लाख रुपए किसी को नहीं मिले। उल्टा शायद गडकरी जी ने कहा है कि ये अच्छे दिन का जो नारा है ये हमारे गले में हड्डी बन गया है। तो अब मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, हड्डी फिर गई, छोड़ दो, ऐसे तो नहीं चल सकता है। और जो उम्मीदें लोगों की थी, जो भरोसा लोगों का था, वो टूट रहा है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। किसानों के लिए कर्जा माफ कर दें तो बहुत अच्छा। दूसरा बड़ा सवाल जो है अखिलेश की कोई पर्सनल रिश्ता होता है और राजनीतिक लड़ाई होती है। पर्सनली मुझे अखिलेश अच्छा लगता है, हमारा पर्सनल रिश्ता है। अखिलेश को उत्तर प्रदेश ने युवा नेता देखकर चुना था और काफ़ी होप्स, उत्तर प्रदेश के युवाओं में, उत्तर प्रदेश की जनता में काफ़ी होप्स थे। साइकिल को उन्होंने समर्थन दिया, साइकिल को उन्होंने सपोर्ट किया और जैसे मैंने कहा, साइकिल धस गई, अखिलेश जी साइकिल पे बैठे, किसी ने उसका हैंडल पकड़ लिया, किसी ने हैंडल को इस साइड खींचा, किसी ने हैंडल को उस साइड खींचा, किसी ने टायर पंचर कर दिया, साइकिल धस गई। अब 6 महीने बचे हैं, साइकिल फंसी हुई है, साइकिल 4.5 साल के लिए नहीं चली, मुझे नहीं लगता कि साइकिल मुलायम सिंह के बारे में क्या कहेंगे? आज तो लग रहा है मुलायम सिंह ने जोड़ दिया फिर से। ये इंटरेस्टिंग सवाल है, या वो भ्रष्ट थे या फिर वो भ्रष्ट नहीं थे, दोनों तो नहीं हो सकता है। पहले आपने उनको भ्रष्टाचार के कारण निकाला, फिर आपने उनको वापस लिया, दो विभाग ज्यादा दे दिया। हाँ, दो विभाग ज्यादा दे दिया। सर 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 सर